anime fans, ho jao ready to witness the ultimate anime blast. Anime Booth laya hai non-stop anime ki sogaat. Ab ye hui na baat. 24 hours Hindi mein dekhiye amazing shows back to back, Action Attack aur Comedy Bunch. Padega zordar. Only on Anime Booth. Anime Unleashed. प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आने वाली गाड़ी अब प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आई है। अपनी सीट पर बैठे, बुजुर्गों की मदद करें। देखते हैं किसके साथ आरएसी मिली है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आने वाली गाड़ी अरे क्रमांक वहाँ कोई नहीं है। हमारा बढ़िया है, एक टिकट में 4 लोग सफर कर लेते हैं। ओह, बहुत दिनों के बाद मैं ट्रेन में बैठी हूँ। अब पैसेंजर की चिक चिक और ट्रेन की चुक 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 काफी मिस की है मैंने। मेंडी, अब पटरियां मोड़ दो ताकि ट्रेन हमारे अड्डे तक आ जाए। बेचारे के कान में दिक्कत है। ठीक है, तुम मत मोड़ो। थैंक यू सर। तुम्हें सुनाई दिया? हमारी गलतफहमी होगी, सॉरी। इट्स ओके सर। पटरी बदल दो। जल्दी छुप जाओ। ये रास्ता बदल कैसे गया? लूट लो इन्हें। देख क्या रहे हो, लूटना शुरू करो। Hands up! Hands up! बॉस सोने के बिस्किट भी हैं। अरे वो बासी पनीर के टुकड़े हैं। नूडल्स होंगे, फेंक देता हूँ। ओहो, अरे वो सोने की चेन थी। इन सबको अड्डे पर ले चलो, फिरौती के अच्छे पैसे मिलेंगे। तेरे जैसी बिल्लियों की वजह से डॉगी और बिल्लियों में दुश्मनी हुई होगी। अनी, मेरी रिमोट कंट्रोल वाली कार किधर है? मैंने फेंक दी, रिमोट से चलाकर देखा चल ही नहीं रही थी। अरे गधे, टीवी के रिमोट से कार चलाएगा तो कैसे चलेगी? क्यों नहीं चल सकती, रिमोट कार पे फेंक के मारो तो कार थोड़ी आगे चलती है। जेल से सोना है तो नीम की गोलियां खाइए, क्योंकि शहर के बाहर डाकू एंटी ट्रेन की पटरियों को मोड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। आज सुबह ही उन्होंने इस ट्रेन को लूटा था। अरे ये नहीं, एक फोटो लगा। अरे ये तो वही ट्रेन है जिससे मैडम आज आने वाली थी। मतलब मैडम खतरे में है, एक वफादार डॉगी होने के नाते मुझे उन्हें बचाने जाना चाहिए।
डाकुओं के अड्डे पे पहुंचने के लिए हमें भी ट्रेन में जाना होगा। चलो बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पावरफुल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एन ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो टीटी साहब, हमारी टिकट। मैं टीटी नहीं हूँ यार। ओ, मुझे लगा काला कोट पहने हो तो टीटी ही हो गए। सॉरी सर, हमारा मेन बॉस तो डाकू है, पास वाले गांव में रहता है, रूम नंबर 300 तो करोल बाग 9224 6 उसका नंबर है सर। धोखेबाज, हम तो तेरा टेस्ट ले रहे थे, तू फ्री में काम न कर रहा होता तो हम तुझे निकाल देते। अगली ट्रेन आने वाली है पटरिया मोड़। बॉस, हाथ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई और मोड़ देगा, तुम आराम करो। थैंक यू सर, सैल्यूट यू सर। पटरी बदल दो। जी सरकार। चलो यहाँ से भागते हैं। लगता है रास्ता बदल गया है। लूट लो इन्हें। सब हाथ ऊपर, कोई चालाकी नहीं। तुम समझ नहीं पाए डाकू, तुम्हारे अड्डे तक आने की ये हमारी चाल थी। मेहंदी, इन्हें हमारे खौफ के बारे में बताओ। अब 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 बोलने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं। थैंक यू सर फॉर दिस काइंड जेस्चर। थैंक्स टू यू, सेम टू यू, बैक टू यू। तू तो शायरों से भी ज्यादा क्लियर बोलता है। चलाओ गोली। ओ सरदार, क्या है कि गोली तो कल ही खत्म हो गई, बंदूक के बस डराने के लिए है। इन निकम्मों से पाला पड़ा है, पकड़ो इन सबको। अरे डरपोक, उंगली थी मेरी। फिर से आ गया तू, फिर से ले, ये ले। बेंडी, इनको किक मारो।
मेरा पैर। तुम्हारे तो पैर में तकलीफ है, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ बेटा। थैंक यू सर। पेड़ ले जाकर किलो के भाव बेच दूंगा। सामने से ट्रेन इसी पटरी पर आ रही है। ये ट्रेन की वजह से मेरा ब्रेन खराब हो रहा है, हम टकराने वाले हैं। बताओ हमारी मैडम कहाँ है? वो तो हमारे अड्डे पर है, हमें अभी वहाँ ले चलो। ठीक है। मैडम कोई टेंशन नहीं है, हमने सब संभाल लिया है। ओह मेरे प्यारे बच्चों, शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। आज तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी दिक्कत होने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। मैं शर्मिंदा हूँ। तो डाकू कौन है? डाकू भी मैं ही हूँ। एक आदमी दो चीज कैसे हो सकता है? प्लीज मुझे जेल भेज दो, वहाँ मुझे कम टॉर्चर किया जाएगा। बस दो रन चाहिए, यहाँ क्रिकेट नहीं चल रहा है हनी। पर मेरे मोबाइल में तो चल रहा है, ये देखो। हिंदी की बुक में मैथ के सम सॉल्व करने वाला ये अकेला ही है, हम मैच पर फोकस करते हैं। मैं वॉशिंग कुमार मशीन। और मैं डाइनिंग कुमार टेबल। ये मैच हम ही जीतेंगे। ऐसे नाम क्यों है तुम्हारे? हमारे पापा मटेरियलिस्टिक है, चीजों से बहुत प्यार है उन्हें। हमारे भाइयों के नाम तो फ्लैश कुमार वाइट और वॉश कुमार बेसिन है। ईमानदारी से गेम खेलना, क्योंकि पॉलिसी इज द बेस्ट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। अरे यार तुमको समझाना मतलब जीरे के मुंह में ऊंट। इनसे हम नहीं जीत पाएंगे भैया। अरे यार ये तो चीटिंग कर रहे हैं। हाँ चीटिंग की, साफ साफ रन आउट है। Oh.
क्या बात जीत गया। कहाँ जीता, आउट हो गया दो रन पे। तो अभी भी क्रिकेट मैच में लटका हुआ है, अपना जोरदार जीत गया। देख उसे ट्रॉफी भी मिल रही है। ये ट्रॉफी तो हम ही घर ले जाएंगे, भले ही छीननी पड़े। हमारे दोस्त की ट्रॉफी वापस कर। इस ट्रॉफी पे हमारा हक है। हम अपने दोस्त की ट्रॉफी वापस लेकर रहेंगे। डॉगी का दोस्त पोपट। पेट पे चेस भी खेल सकते हैं। कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पावरफुल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एन ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम, डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। गेंदे से लड़ना है तो पहले अपनी ताकत चेक कर लेनी चाहिए। पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ा तो था ट्रॉफी को। अरे उन गेंडों को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि हाथ में ट्रॉफी थी ना। तो ट्रॉफी उन्हें क्यों दी? मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि चीजें लेकर वापस न करूँ। Oh!
उड़ सकता है। यहाँ क्या भाग रहा है? एक नंबर का गधा है। तो बस जाके इस बेल्ट को रोकने का तरीका ढूंढ। लाल बटन मतलब स्टॉप होगा। अरे लाल मतलब खतरा भी होता है। थैंक यू, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम वो ट्रॉफी नहीं लेंगे। हाँ, यही मौका है इन दोनों को सबक सिखाने का। इन गेंडों को मसलने का मौका मिल गया है मुझे। रुको, हम चार हैं और ये सिर्फ दो। बराबरी की लड़ाई नहीं है। देखो हनी की ताकत तुम देख चुके हो। ये पोपट जोर से काटता है, तुम सह नहीं पाओगे। और जोरदार के जोरदार मुक्के तुम्हें बेहोश करने के लिए काफी हैं। अगर हमसे लड़ना है तो कम से कम ये सर पे पहन लो। और इन जग्स को ग्लव्स की तरह पहन लो। ये प्लेट पेट पे लगा लो ताकि मेरे मुक्के जोर से ना लगे। और ये चेन बेल्ट की तरह कमर पे बांध लो। तुम लोग को ज्यादा ही अच्छे हो। थैंक यू। लेकिन हम अच्छे नहीं हैं, ट्रॉफी तो हम ही लेकर रहेंगे। ट्रॉफी के पीछे भागने में जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत खेलने में करते तो आज ट्रॉफी तुम्हारी होती। सही बात है, ट्रॉफी के चोर बनने से अच्छा है ट्रॉफी के हकदार बनो और हक से अपने घर ले जाओ। मुझे माफ कर दो, मैं दोनों पैर जोड़कर हाथ पढ़ता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर पैर पढ़ता हूँ। तो जब पता है तो करता क्यों नहीं है? आखिरकार ट्रॉफी मिल गई, पार्टी। ये!